एक बार फिर हम आप सबको रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में फिर से बताने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा रिलेशन, कुछ नया इसमें ऐड करके आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं बोर्ड पे। टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, इन रिलेशन को डिस्कस करेंगे। इससे बताया जाता है जैसे हम पिछले लेक्चर में पढ़ने वाले इस लेक्चर में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे दो सेट होते हैं ए एंड बी, तो वी डिनोट रिलेशन आर इन सेट ए एंड बी इज A cross B. ये क्रॉस का मतलब नॉट multiply, नॉट मल्टीप्लाई। क्रॉस का मतलब नॉट मल्टीप्लाई होता है, ये नॉट मल्टीप्लाई। इट डिनोट द रिलेशन ऑफ इंट एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। ए कॉमा बी, ये हमारा सेट ए का है और ये हमारा सेट बी का है। सेट डिस्कस करते हैं, एक सेट ये हो गया, ये 2, 4, 6, 8, ये 4, 8, 12, 16, इसके बीच हमारा रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, तो हम ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, ऑर्डर पेयर में रिलेशन आ रही है रिलेशन इज टू आर आई रिटेन है 2, 4, 4, 8, 6, 12, 8, 16। ये हमारा रिलेशन है, 2 और 4 का रिलेशन इस ये हमारा डोमेन का रहता है। ये हमारा रेंज का रहता है, ये डोमेन आगे ये हमारा रेंज हो गया। तो हमारे फर्स्ट इनमें डोमेन होता है, सेकेंड इनमें रेंज होता है, और ये 2, 4 के हमारे रिलेशन में से ऑर्डर पेयर के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद टॉपिक आता है टाइप ऑफ रिलेशन। जैसे बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू आर्य अग्रवाल बुक रिलेशन रिलेशन आर इन अ सेट ए इज अ टू बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, अब यहाँ सबसेट का कॉन्सेप्ट क्या हुआ हमको ये समझना है। ए क्रॉस ए हमारा इज इक्वल टू ले लिया मैंने नेचुरल नंबर, ए इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ए हमारा ए इक्वल टू एन हो गया और एक ये हो गया ए इक्वल टू एन। ठीक है, एन हमारे नेचुरल नंबर को बता रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, इसमें 1, 2, 3, 4, 2, n तक एलिमेंट होंगे, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to n तक n एलिमेंट होंगे। अब जैसे मान लिया मैंने सम एग्जांपल
अभी हमारे इसके इसके बीच में हमारा रिलेशन स्टेबल हुआ, ये पर रिलेशन हमारा आर स्टेबल हो गया फिर सेट ए में, सेट ए से सेट ए में, ठीक है। तो वही ए क्रॉस ए हमारा सेट ए से सेट ए के बीच में जो रिलेशन स्टेबल हुआ इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टॉपिक आती है कि जिससे 1 4 2 9 4 7 5 11, ठीक है। हमारे ये चार सेट दिए हुए, मतलब 4 का इमेज, 1 का इमेज, 1 का इमेज 4 सॉरी 1 का इमेज 4 के साथ बन रहा है, 2 का इमेज यहाँ 9 कहीं होगा 9 के साथ बनेगा, 4 का इमेज यहाँ कहीं आगे 11 होगा 11 के साथ बनेगा, 4 का इमेज 6 7 8 9 10 11 अब तो चला जाएगा, 2 का सॉरी 2 का इमेज हमारा 9 पे जा रहा है, 4 का 7 पे जा रहा है, 5 का 11 पे जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ये हमारा रिलेशन बताया जा रहा है कि रिलेशन सेट ए से सेट ए के बीच में हमारे 4 एलिमेंट 4 ऑर्डर पेयर दिए जिसका रिलेशन स्टेब्लिश हुआ है, बाकी रेस्ट एलिमेंट का नहीं बताया गया। तो यही ये जो 1 1 2 4 5 ये क्या है, ये हमारा सबसेट सबसेट किसका ए का, ठीक। उसी तरह 4 9 9 7 और 11 ये भी हमारा क्या है, सबसेट है ए का। एक ये हो गया 1 2 4 5 सबसेट ए है और 4 9 7 11 सबसेट ए है। तो हमारे से सबसेट ही एक सेट ये हो गया, सेट ये दोनों सबसेट आ रहा है, तो रिलेशन हमारा तो इम्प्लाई दर ये क्या बताता है, इम्प्लाई दर ये हमारा बताएगा कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। समझ में आया कि ये हमारा ये कहाँ से आया है, सबसे टॉप ए अब सोच में इसका मतलब क्या होता है, सबसे टॉप ए क्रॉस ए कहाँ से आया, ये हमारे एलिमेंट ये एक सेट ये एक सेट ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हमें ऑब्टेन हुआ है, इस तरह से चार रिलेशन मिले हैं, बाकी जो बचा उसका रिलेशन में ऑप्टेन नहीं हुआ, इसलिए हमारा ये आर क्या हो गया, सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए। अगर हर एक नेचुरल नंबर का हमें 1 1 सॉरी वो आगे टॉपिक है, हर एलिमेंट का अगर हमें रिलेशन मिले फिर भी हमारा सबसेट ही कहलाएगा,